राजनीतिक समर्थन भी इस समय खिलाड़ियों को मिलता दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद FIR दर्ज की गई इस पूरे मामले पर, और आज दिल्ली सरकार के मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल खिलाड़ियों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे हैं, धरना स्थल पहुंचे हैं। लगातार खिलाड़ी कह रहे थे कि प्रशासन पर हमें विश्वास नहीं है, पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, और आज दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल उनके बीच में है तो दिल्ली सरकार का समर्थन उनको मिलता साफ दिखाई दे रहा है। हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से। जब इन्होंने मेडल जीते थे पूरी दुनिया में देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जंगल मन का गाना अपना गीत चल रहा था, जंगल मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए इनको यहां पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकल के खेलों में नाम का नाम कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है। अपने भारतीय समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, एक एक भारतीय जो भी भारत देश से प्यार करता है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से, जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी युवा सपना देखता है कि एक दिन मैं भी ओलंपिक खेल खेलूंगा, वो आपके साथ खड़ा है। एक एक भारतीय आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं हो, आपने इस पूरे देश को जगा दिया है। एक एक आदमी के दिल में बसी हुई आपका यह संघर्ष, पूरा देश आपके साथ है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। अभी 2 दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, बोले सर मोदी जी ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर जब मैं टीवी में देखता हूं, बोला मैं भी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था।